पर एक गल हो रही सच इन्होंने अपने वर्गों की विचारता कितों मननी है इन्होंने तो अपनी मनौत को सही सिद्ध करने वास्ते बहुत इंपोर्टेंट गल है जप दे खब्बे पासे जोड़नियां ला दत्तियां खब जिन्हें इन्हों प्रिंटिंग मेरे को सबूत पेश करा जप दे खब्बे पासे डंडियां दोनों ला के गुरप्रसाद ने जोड़ दिता भाव के गुरु की नहीं मननी अपनी मनौत सिद्ध करने वास्ते अपने डेरे के बाबे सही सिद्ध करने वास्ते गुरबाणी च बदला करता जप दियां खब्बे पासे डंडियां उड़ातियां दो भी बाणी का की मनन अपनी मनौत को सही सिद्ध करने वास्ते डंडियां चकतियां दो मेरे अर्ग की विचारता कितों मन लेंगे बोलो सतनाम कितों ये तो अपनी मनौत सिद्ध करने वास्ते बाणी चाहते तबेलियां करन ये पहले दसता से तुम भी हर अष्टपदी लिख दिती सुखनी सुख अमृत भरो नाम अष्टपदियों का सतनाम वाहिगुरू लिख दिता झूठिया कहानियां लिख दिखाई पहले सुखनी के गुटकों की हाल कर दिता सो इदा इस करके इन्होंने गलों समझिए ये बड़े पद्धर से कोई विचार होनी चाहिए है सुहिरद बलवान बैठन सुहिरद संप्रदाय बैठन भी आप एक करने धारा जिन्हें अंदर हो निरपक्ष जज बैठन पहला जज चुनने पैणगे वो लभने किन्ना हो निरपक्ष हो फेरी हो फेरी गलबात हो कोई हो मीडिया हो सारा कुछ इदा भी कोई किसी ने झगड़ा नहीं करना उच्ची नहीं बोलना विचार का मकसद जित हारनी विचार का मकसद ज्ञान की भाल है आओ कट्ठे भैन भरा होकर गुरमत के ज्ञान को समझने की कोशिश करिए विचार च जित हारनी होंगी हाँ जी ये तो होशां दी गल्लां हुंदियां जे जित हार दे सर्टिफिकेट लेने आ तां तुसीं जित दा सर्टिफिकेट बना लो मैथों सैन करा लो मैथों सैन करा लो वे पंथप्रीत सिंह हारे जिते होए ने बोलो सतनाम लिया मैं सैन करदा तुहाडे सर्टिफिकेट ते लिया मैं करदा सैन हारे दा सैन करदा मैं सैन कर देना हारे दा सैन कर देना मैं असीं हारे पर विचारधारा च कोई जित हार नहीं हुंदी सच ये है कोई जित हार नहीं हुंदी उत्थे तां ज्ञान दी भाल है ज्ञानवान कट्ठे होके बैठो दीवे मूहरे दीवा ओ दीवे ने ओदा नेरा दूर करता ओ दीवे ने ओदा नेरा दूर करता बोलो सतनाम हाँ एक दूजा नेरा दूर भी थोड़ा मैंने किसी कोई भुलेखा ज्ञानवान भीर बैठे ने कोई माड़ा जा कोई माड़ी मोटी गल इन भुलेखा से आप ये साझी कर ली कोई गल सुन के यदा भुलेखा निकल गया यदि गल सुन के कोई माड़ा मोटा मेरा भुलेखा निकल गया यह तो गल कोई बनती है सुहिरदता बनती है ना वो जिथे अपन मानतावान थोपनिया डंडे मानतावान नहीं थोपिया थोपिया जा भी डेरिया की मर्यादा असं डंडे ना मन लाँगे डरा के मर लाँगे धमकिया ना मर लाँगे गाला ना मर लाँगे वैसे उन्होंने पति मैं दुबारे कह दें उन्होंने जिहड़ी संगत जानकार बैठी है भी गाला का साढ़े कोई असर नहीं क्योंकि 20 साल हो गए मैं गाला खाने मैं तो गाला खा खा के ढीठ जा हो गया गाल का मेरे ते असर ही हूँ हट गया बोलो सतनाम भुलेखे च ना रह जाओ भी गाला कढ के पंचप्रीत का मनोबल डेग देंगे मैं तो ढीठ है गाला का असर ही नहीं होंगे मेरे से खादियां ही वाली गाला ही मिल गई 20 साल से होर की मिले बहुत गाणा धमकियां बहुत खादियां मोड़ भी धमकी नहीं दिती कदे ना मोड़ भी कदे गाल नहीं दिती किसी ने धमकियां दा साढ़े ते कोई असर नहीं कोई साढ़े ते किसी दे गाल दा असर नहीं मत भुलेखे च रह जाओ भी इहदे नाल असर ना जो गुरु जी कहिंदे सुनाई जाणा जिन्नी सा किसे नूं वध समझ आ गई मैनूं दस दिओ जिन्नी मैनूं समझ आ गई सुना देनी है तुम पहला दस्या कि पंजोखरे तो मैनूं आ समझ आई है मक्की वाली गल मैनूं आ समझ आई आ मैनूं आ समझ आई आ मैं जो दसता कह सकदा सरोवर का सिद्धांत मैंने इदा समझ आया भी एक समूह इशनान है पर तीर्थ का गुरु है तीर्थ का गुरु है इस करके इदा असि ना सारिया गलों भोरा गुरु साहब जी भोरे में कितने नहीं बैठे ना 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 हाँ जमीन दो कमरा हो सकता है असि भाव के भोरे की आप कह लो भी इतिहासक होंद तो मुनकरनी मैं पहले पिछली वीडियो भी दस्या उन्होंने समय से जमीन दो कमरे आम ही होंगे से ना थले आम बना लेंगे हो सकता है उत्थे गुरु साहब जी आराम करते हो जो प्रचारकदारों तो आते होर गहरा चिंतन करना है कुछ समय चिंतन पर यह नहीं भी भोरे में ही बैठे रहे भी बाहर नहीं निकलते भी भोरे में ही बैठे रहे भी भोरे च बैठ के रब मिलता भी बाहर निकलते ही नहीं ना 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 दुनिया च विचरे प्रचार दौरे किए सारा कुछ किया गुरगद्दी से बैठने तो पहलों के प्रचार दौरे 56 तो लेके 64 तक का पढ़ लो सारा बहुत विस्थार के 64 में आकर जो गुरु जी प्रचार दौरे तो आए से उस वे पूर्व देशों वाले पास जो 8वीं पातशाह मिलते हैं फिर कहा अगे सेवा संभालनी है मिल मिल पे गुरु साहब ने कहता से भी अगे सेवा संभालनी है हाँ जी मैं इदा का ऐलान हो रहा है भी ये शरीर ने समाना है तो तुम अगे सेवा संभालनी है उदो प्रचार दौरे तो आए से दिल्ली मेल होया राजा सिंह के बंगले च पूरा पढ़ के देखो इतिहास तो असं हूँ गुरु को भोरे च वड़ की खाने गुरु की महिमा है दसो भी गुरु की महिमा भोरे च वड़ना है कि गुरु की महिमा दुनिया च विचर के दुनिया को सुधारना है दुनिया सुधारना है फिर यही गल तो बाणी के प्रमाण किन्ने वाली दते है
गुरु साहब जी कहते भावे मेरी ना करोड़ा वर की उम्र हो जाए अपने ते ला के गल कही ना उत्तम पुरख समझाने वास्ते कहते मैं यह जी गुफा यह जी भोरे च बह जा डूंगे भोरे च जिथे कि मैं चंद सूरज पति ना लगे भी भाव दिन है कि रात है पति ना लगे करोड़ा वरे बैठा रहा बैठी रहा पैन नू थां भी ना हो खाण पीन मेरा हवा हो जाए भी बाबे दा डेरा ने कहते दो तोले दुध छकते बाबा जी कुछ नहीं खाते पीते गुरु साहब कहते मैं हवा ही खाण पीन लग जा मूँह ते चपेड़ लाने वास्ते डेरेदार आते जो कहते 40 दिन भोरे च बह के बाबे ने रब पा लिया गुरु साहब कहते मैं करोड़ा वरे किसी भोरे च बह के भी नहीं पा सकता समझाने वास्ते अपने ते लाके कहते पढ़ो कोट कोटी मेरी आर जा पवन पियाण अपाओ हवा ही मेरा खाण पीन हो जाए पवन पियान अपयाओ चंद सूट दोए गुफा ना देखा ऐसी डूंगे भोरे गुफा च बैठा के चंद सूट का पति ना लगे चंद सूट दोए गुफा ना देखा सुपने सौना थाओ सौन सुपने च भी थाना हो बैठी रहा पव लेटा भी ना भी तेरी कीमत ना पावे हाँ केवड़ा खां ता भी मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता तेरा किड़ा का नाम आखा कीमत समझ गए ना भी मान लो सेब 200 रुपये किलो है आप 200 दे के सेब लै लेने जे ना होना आप कहते हैं भाई मैं नहीं कीमत पा सकता मैं नहीं दे सकता मैं नहीं भाव करोड़ा वरिया की किसी भोरे की भगती नाल भी मैं तेन प्राप्त नहीं कर सकता बोलो सतनाम करोड़ा वरिया की भगती नाल भी मैं तेन पा नहीं सकता करारी चपेड़ उन्होंने डेरेदारा जे 40 दिन अंदर बह के कहते रब पालिया अन्न छड के रब पालिया अन्न छड के पालिया रब बाणी कहती अन्ना बिना ना होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल अन्न छड के रब नहीं मिलता तो डेरेदारा दी कहानियां कहंदियां बाबा जी ने अन्न छड के रब नू पाया हुण दसो बाबे दी कहानियां मनोगे कि गुरबाणी मनोगे बोलो बाणी मन लो फिर अन्न छड के तो रब नहीं मिलता भोरियां च बह के तो करोड़ा वरे बह जाए भावें कोई रब नहीं मिलता करोड़ा वरे बह जाए भावें इस करके ये फजूल दे रौले रपे है भी भोरियां की निंदा करते हैं जी सरोवर की निंदा करते हैं जी पंजोखरे की निंदा करते हैं जी आह निंदा करती जी मक्की वाली निंदा करती जी हेमकुंट की निंदा हेमकुंट की निंदा कभी करती।